इस समय लखराव पोखरा फाइनली पहुंच चुके हैं लखराव पोखरा के, जो कि न्याय पंचायत मेहनगर आजमगढ़ का एक क्षेत्र है, जहां पर आप लोगों ने सुना होगा कि चलो क्या नाम है, वहां मेहनगर के मेले से गुड़ही जलेबी लेके आना लखराव पोखरा, जहां पर आप लखराव पोखरा देख रख सकते हैं कि ये सामने जो दिख रहा है लखराव पोखरा है। इसके घाटों की सुंदरता देखिए काफ़ी अच्छी है, हर तरफ घाट ही घाट बने हैं। ऐसा माना जाता है कि इस पोखरे का पानी कभी सूखता ही नहीं है और वर्ष भर सदा हमेशा हरा भरा बना रहता है। जैसे कि घाट पे देखो सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, आपको कुछ याद आ रहा होगा इसी तरह की सीढ़ियाँ बनारस के घाटों पर बनी हैं। बस बनारस में वहाँ नदी है, यहाँ पोखरे हैं, तो पोखरे का सुंदरीकरण काफ़ी अच्छा तरीके से किया गया है। यहाँ के जो हमारे देख रहे हैं कि जो घाटों की सुंदरता काफ़ी अच्छी की गई है, और इस घाट पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ भी रहती थी मेले के टाइम में, हर एक घाट पूरा भरा रहता था, हर एक घाटों पर सुंदरता काफ़ी अच्छी दिखाई पड़ती थी। तो जैसा कि मेला काफ़ी सुप्रसिद्ध काफ़ी विख्यात मेला यहाँ का लगता है, और यहाँ मेले में भीड़ काफ़ी ज़्यादा होती है। यहाँ पर एक छोटा बालक आया और उससे पूछते हैं कि मेले में के लगभग भीड़ कितनी होती है, इधर बताओ। अच्छा, यहाँ जो मेला लगता था, अभी जल्दी में मेला लगा है ना यहाँ पे, वहाँ पे भीड़ कितनी होती थी मेले में? कई लाख लोग आते थे। सुन लीजिए, कई लाख लोग इस मेले को देखने के लिए आते हैं। यहाँ आजमगढ़ का सबसे प्रसिद्ध मेला यही होता है कि कोई दूसरा और मेला लगता है इसके अलावा? यही लगता है, लखराव पोखरा मेला। लखराव पोखरा, और इसी में शायद दशहरे वाला मेला ना। हाँ, तो अभी विजय दशमी काफी समय नहीं हुआ है, ज्यादा टाइम लगभग अभी बीता हुआ है, तो उसी का मेले का विस्तृत वो क्या नाम है व्याख्या। और बताइए, ये जो पोखरा है, इस पोखरे का देखभाल कौन करता है? कोई करता है ये पोखरा जो है, पोखरे का देखभाल कोई करता है? मुझे नहीं पता। तुम्हें नहीं पता? अच्छा, ये बताइए, वो जो दिखाई दे रहे हैं ये फूल कमल वल जो इसमें, तो ये तब तोड़ के कौन ले जाते हैं इसमें से? हम ही लोग ले जाते हैं सब, चाहे जो तोड़ सकता है इसका। कोई रोकने टोकने वाला नहीं है? नहीं, कोई बोलता ही नहीं। अच्छा लगता है कमल का फूल, और जो कोलगट्टे होते हैं उसको क्या कहते हो आप लोग, जो कोलगट्टे होते हैं? कोलगट्टे ही, कोलगट्टे ही कहते हो। तो उसको ले जाके क्या किया जाता है, सब्जी उब्जी बनाया जाता है? खाते हैं उसे कच्चे। कच्चे ही खा जाते हो? अच्छा, तो बच्चे ने बताया, ये बालक बता रहा कि जो कोलगट्टे तोड़ के ले जाते हैं उसको कच्चा ही खाया जाता है। हम लोगों के यहाँ तो उसी कोलगट्टे की कभी कभी सब्जी उब्जी भी बन जाती थी। तो आप लोग देखिए इस पोखरे का, तब तक दीदार करते रहिए, मिलते हैं छोटे अंतराल के बाद किसी और जगह पर, किसी और स्थान पर। लखराव पोखरा का मेला काफी अच्छा मेला, यहाँ पर मेले की देखने की रौनक काफी काफी दूर दूर से लोग आते हैं, और ये जो मेला है विशेषकर विजयदशमी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, और विजयदशमी अभी जल्दी ही बीता हुआ है, और ये मेला काफी विस्तृत लगा हुआ था पूरे चारों ओर। आप लोग जैसा कि देख रहे हैं, ये पोखरा जो दिखाई दे रहा है इसके चारों ओर मेला लगा था, हर तरफ एकदम साज बाज, पूरे वन संवर के सभी लोग रंग बिरंगे तितलियों की तरह एकदम पूरा झुंड लगा हुआ था। और इसी मेले के साथ में आप लोग गाना भी सुने होंगे ना कि गुड़ही जलेबिया बिकात हुई पिया मेलवा में, और उसी मेले का आनंद लेने के लिए हम लोग भी आए थे, लेकिन आज हम लोगों का दूसरा दिन है। हम लोग सोचे कि उस समय रात हो गई थी और सही से सब कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, इसी वजह से आज दिन में आए हैं इसको दीदार करने के लिए, दर्शन करने के लिए लखराव पोखरे का। और आप लोग देखिए, इसमें कमल के फूल, इतने रंग बिरंगे कमल के फूल दिखाई दे रहे हैं, और काफ़ी ज़्यादा पत्तियाँ इसकी सूख चुकी हैं, नहीं तो इसकी भव्य लोकप्रियता यही है कि इसमें सभी लोग आपसी कितने मेल मिलाप से रहते हैं। जैसे कि आप देखेंगे तालाब के उस पार मस्जिद हमें दिखाई दे रही है, और इस पार हमको मंदिर दिखाई दे रही है, और काफ़ी ज़्यादा मेल मिलाप से लोग रहते हैं। और तालाब का दृश्य देखिए, ये वर्ष भर ऐसा शायद हरा भरा ही रहता है। हम पूछते हैं यहाँ पर एक लोग, आप लोग जानते हैं फिशिंग यानी मछली कैसे पकड़ा जाता है, उसी का जिक्र किया जाएगा। चाचा, इस पोखरे का पानी कब कब सूखता है? कभी नहीं। कभी नहीं सूखता नहीं। है,
और ये मछली कैसे पकड़ाते हैं? ये मछली जाल पड़ता है ना, इसमें जाल पड़ता जी। और ये वर्ष भर ऐसे कमल खिलता रहता है? नहीं, ये तो सीजन वाइज रहता है बस, सीजन की मतलब अगर इसे नवंबर वंबर तक खत्म हो जाता जी। होगा। और इसके बाद अगर इसमें मछली पालन होता है कि नहीं होता? नहीं, पालन होता है इसका, 5 साल का ठीका होता है ना। अच्छा अच्छा, 5 साल का इसका मुआवजा होता है। अच्छा जी, तो इस समय मछली पालन नहीं हो रहा कि हो रहा मछली पालन? नहीं, जो लिया है पैसा दे के। हाँ, अच्छा, तो मछली यहाँ मारने देते हैं कि नहीं मारने नहीं, देते? खाली जैसे सीधे मार सकते हैं आप, छोटी मछलियाँ मार सकते हैं, बड़ी मछलियाँ नहीं, नहीं मार सकते। हाँ, तो यहाँ पर हमारे चाचा के समान थे, उन्होंने बताया कि इस पोखरे का जो पानी है वो कभी नहीं सूखता है, और ये पोखरा हमेशा उम्र हो गया कभी नहीं। कितने उम्र का? 45 साल बता रहे हैं उम्र हो गई, कभी नहीं इस पोखरे का पानी सूखा है। और वैसे देखने में भी लग रहा है क्योंकि नवंबर दिसंबर का महीना है, अभी इसमें पानी तो लगभग एक आध दो हाथी कितना होगा, अगर हाथी इसमें चली जाएंगी तो डूब जाएंगी, तो काफ़ी आराम से डूब जाएंगी जैसा कि चाचा बता रहे हैं। और इसमें देख रहे हैं काफ़ी चिड़िया भी इधर उधर टहल रही है, और काफ़ी विस्तृत बहुत बड़ा पोखरा है ऐसा पोखरा, जैसा कि चाचा बता रहे हैं ये पोखरा लगभग 52 बीघे का पोखरा है, 1-2 बीघा नहीं 52 बीघे का पोखरा है। तो हम लोग इसी पोखरे का, उस दिन मेला लगा था तो मेले में हम लोग वीडियो नहीं बना पाए, उसके लिए हम लोग तहे दिल से आप लोगों से माफ़ी मांगते हैं। लेकिन आज इस पोखरे का दीदार करने के लिए हम लोग आए हैं, और इस पोखरे की विस्तृत जानकारी भी आप लोगों के बता रहे हैं। देखिए, मंदिर और मस्जिद दोनों एक साथ में लगे हुए हैं, तालाब के उस साइड है मस्जिद है, तालाब के इस साइड मंदिर है, तालाब नहीं पोखरा है। जैसा कि हमारे मोहित भाई ने बताया और चाचा से पूछा, तो चाचा से आइए हम कुछ और जानकारी लेते हैं जो काफ़ी अच्छी जानकारियां हैं। तो जैसा चाचा बताएंगे, यहाँ जो मैं देख रहा हूँ सामने एक मस्जिद भी है और इसके बगल में एक हिंदू मंदिर है, तो जैसे इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये तालाब किसका था या ये राजा रानी का था? किसका? राजा रानी, कौन से राजा रानी थे? ये वो जो किला जाएंगे वहाँ पता चलेगा। अच्छा, दौलत इब्राहिम वाले किला पे? हाँ, वहाँ उनका था ये। तो वो जो उस तरफ मस्जिद बनी है, उस तरफ के लोग, क्या मेला उस तरफ भी लगता कि नहीं लगता? नहीं, पूरा मेला लगता है, पूरा लगता है, कोई किसी को ऑब्जेक्शन नहीं रहता? कोई कुछ नहीं, ना 1 रुपए का कोई उठवा लेता, टैक्स लेता है ना कुछ, कोई अगर तालाब दान में दे दिया गया था ऐसे? दान में तालाब सार्वजनिक है? सार्वजनिक मतलब नहीं है, टाउन में है, टाउन एरिया में जी। अच्छा, टाउन का मालिक है, टाउन इसको जब चाहे तब नीलाम कर सकता है, जब चाहे इसको। जैसा कि आप लोग हमारे पिछले वीडियो में देखे थे, हम लोगों ने आपको मेहनगर का किला दिखाया था जो दौलत इब्राहिम का था, वहाँ के जो राजा रानी थे उन्हीं से संबंधित ये पोखरा है। और इसी पोखरे का जो भोजपुरी के गायकार हैं समर सिंह, जो ही पास के रहने वाले हैं, उन्होंने गाना भी बनाया है, तो उस गाने का क्लिप आप लोग सुने ही होंगे। और इसी एक पोखरा तो लगभग नियर अबाउट 52 बीघा में फैला हुआ है, 52 गज वाला झुम, क्या बोलते दोस्तों, 52 गज का जो गाना आया है उसी नुमा एक। तो दोस्तों, मंदिर के हम इस तरफ आ गए हैं और यहाँ देख सकते हैं सौंदर्यीकरण हो रहा है कि चीज़ें नई नई बन रही, और मंदिर दोस्तों इस तरफ मंदिर परिसर है आप देख सकते हैं। और दस दोस्तों इसके पीछे जो आप देख रहे हैं बहुत बड़ी मतलब बाग है, पार्क है, मैदान है, जिस प्रकार से कह सकते हम लोग पीछे देख के आए हैं। और काफ़ी दोस्तों काफ़ी लंबी इसकी घेराव भी कर दी गई है। और इसके साथ साथ दोस्तों आप जैसा कि वो दृश्य देख रहे हैं, वो मृत हो गए थे उनके कार्यक्रम में लगे हुए हैं, यह है दोस्तों मंदिर का फ्रंट। और देख सकते हैं यहाँ, ये दोस्तों यहाँ जय शनिदेव बाबा की मंदिर है, वैसे कई देवी देवताओं की मंदिर है लेकिन शनिदेव की खास तौर पर शनिदेव महाराज की मंदिर है। और यहीं दोस्तों इसी स्थान पर रामायण भी होता है, मतलब वही रामलीला दोस्तों, और रामलीला यहीं पर भी होता है, और मेला दोस्तों यहीं लगा था। और मेले की छोटी सी क्लिप वीडियो अगर हमारे पास होगी तो हम आपको साथ में दिखाएंगे ही। और इस तरफ दोस्तों जंगल ही है, इस तरफ वो पीछे ही जंगल। और हमारे चैनल पे इसी तरह बनते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, तो छोटी छोटी जानकारी आपको हमेशा देते रहेंगे, आपके लिए तत्पर हैं हमेशा। और हम कैमरामैन शैलेश के साथ मोहित कुमार।